जीएचएमसी की तारीख में ऐसा बहुत कम होता है। मुकामी कॉरपोरेटर की निगरानी में फुटपाथ्स पर किए गए नाजायज़ कब्जों पर कार्रवाई। जी हां, एमआईएम से वाबस्ता नवाब साहब कुंटा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान की निगरानी में ट्रैफिक पुलिस के साथ इंजन बॉली से वटेपल्ली तक फुटपाथ्स पर नाजायज़ कब्जों को बर्खास्त किया गया। क्या ऐसा काम हर कॉरपोरेटर को अपने एरिए में करना चाहिए? कमेंट के ज़रिए हमें ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से ही हमें हौसला अफजाई मिलती है। सुनते हैं मज़ीद तफसीलात कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान की ज़ुबानी। इसी तरह की मज़ीद जानकारी के लिए जुड़े रहिए AS न्यूज़ से, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पर नवाब साहब कुंटा डिवीज़न के अंदर इंजन बोली से लेकर नाइस होटल तक का, क्योंकि आने वाले दिनों में रमज़ान का महीना है, क्योंकि आवाम की कशीर तदाद जो है यहाँ पर का गुज़रना है यहाँ पर, तो साहब ने ये कहा कि जो रोडों के ऊपर जो भी मसाइल है, जैसा कि पानी के लीकेजेस है, वाटर लीकेजेस और ड्रेनेज का जो है ओवर फ्लोज का मामला रहने दो, अगर मेंटेनेंस इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से कोई भी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज का प्रॉब्लम रहने दो, और जो है जो कुछ भी मसाइल है कहीं पे तो वो ओवर फ्लोस नहीं होना चाहिए, क्योंकि रमज़ान के महीने में लोग जाते रहते हैं तो गंदा पानी उछलने से उनके कपड़े भी ख़राब हो सकते हैं और जो है उनकी इबादतों में भी खलल पड़ सकता है। क्योंकि ऐसे हालात में सदर साहब ने सख्ती से कहा कि किसी भी हाल में ये पूरे तमाम चीज़ें दुरुस्त हो जाना चाहिए, क्योंकि रोडों के ऊपर बहुत सारे इंक्रोचमेंट्स भी क्योंकि रहने की वजह से यहाँ पर मुसलसिल इंजन बोली से लेके नए होटल के तक का बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ट्रैफिक अहदेदारों को भी हमने इतला दी कि जो है ये जो कुछ भी ज़्यादा रोड के ऊपर रहे वो लोग थोड़ा पीछे हटा कर जो है वो लोगों को भी सेटरेट करने के लिए हम लोगों ट्रैफिक पुलिस से भी हम लोगों ने इतला दी, वो लोग भी आकर ताउन करके हमारे, क्योंकि दुकानदारों को भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए और लोगों को भी तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, तो दुकानदारों भी अपने हिसाब किताब से सेट कर लिए और बाकी के तो हम तमाम नवाब साहब कुंडा डिवीज़न के सदर मोतमदीन और फलकनुमा डिवीज़न के भी हमारे साबिका कारपोरेटर बशीर साहब के साथ मिलकर हमने इंजन बोली से लेकर नए होटल तक का पूरा दौरा किया और तमाम जितने भी मसाइल हैं मुतल्लिका अहदेदारों को, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट के अहदेदारों को भी बताया हमने तमाम दुकानदारों से, क्योंकि हमारे ही मोहल्ले के हमारे ये लोग तमाम रहने की वजह से हम उनसे अदबन गुजारिश करते हैं कि आप एक हद तक का जो है एक लिमिटेशन तक का आप अपना कारोबार को जो है सीमित कर जो है वो आगे ना बढ़ाएं, ताकि हम क्योंकि बहुत सारे एक्सीडेंट हर हफ्ते में एक से दो एक्सीडेंट हो रहे हैं, पैरान फूट जा रहे हैं, लोगों के सर फूट जा रहे हैं, क्योंकि पूरा जो है रोड साफ़ रहने की वजह से मोटरसाइकिलों के बच्चे जो है तेज़ मोटरसाइकिल चलाने की वजह से औरतों को जो है फुटपाथों के अंदर पूरा इंक्रोचमेंट रहने की वजह से औरतों को बच्चों को तमाम पैदल जो है रोड के ज़रिए चलना पड़ रहा है, उसकी वजह से एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहे हैं। तो हम क्योंकि आपकी भी इसके अंदर जो दुकानदारों के बहना भी हो सकते हैं, वालदा भी हो सकते हैं, भाया भी हो सकते हैं, बच्चे भी हो सकते हैं, तो आपके बच्चे भी हो सकते हैं, हमारे भी बच्चे भी हो सकते हैं, तो आप ये तमाम चीज़ों का लिहाज रखते हुए आप जो है अपने हद में रहकर अगर काम कर लिए तो सबके लिए सौद रहेगी। हज व उमरा की बेहतरीन खिदमात का भरोसेमंद नाम अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। सऊदी अरब और हिंदुस्तान से मंजूर शुदा अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड मक्का और मदीना के करीब रिहाइश और हैदराबादी लजीज खाने, मुकदस मुकामात की ज्यारत, डायरेक्ट फ्लाइट, 15 दिन का पैकेज डीलक्स सिर्फ और सिर्फ 95,000 रुपये और बजट पैकेज सिर्फ 85,000। इसके अलावा लग्जरी ट्रांसपोर्टिंग, उजलत करें, देर ना कीजिए, इस सुनहरे मौके से फायदा उठाएं। अलहीन ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग। मजीद जानकारी के लिए 9949940160 या फिर 0404854 9586 पर भी राबता कर सकते हैं।